इन्होंने बोला है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई लिखता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, व्हेन व्हेन प्रिंसिपल पी लिख रहा हूँ, व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3000, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम, ओके, और टाइम दिया है 2 ईयर्स, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। ओके, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन सी, इसमें इसमें क्या करेंगे, व्हाट विल गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन। सारी चीज़ें तो दी हैं आपको, अमाउंट का फॉर्मूला आना चाहिए, पी अमाउंट इज इक्वल पी 1 + R/100 होल टू द पावर n। तो एक क्वेश्चन यहाँ, एक ये आना चाहिए, फिर सी आई इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ए कैसा आ जाएगा, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी, पी कितना है 3000, ब्रैकेट में 1 + R, आर इज 5% पर एनम, ठीक है, कि पावर एन, एन टाइम टू दिया है क्योंकि दे हैव नॉट गिवन कंपाउंडेड एन वैली या हाफ वैली, दे हैव नॉट गिवन, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट उसे एन वैली लेते हैं, और जितना टाइम होता है उतना ही टाइम पीरियड भी बनता है हमारा, सो दैट विल बी इक्वलन टू टाइम। ये एन टाइम नहीं है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, दिस एन इज नॉट टाइम, इट इज टाइम पीरियड, ठीक है। सो डू वॉच माई वीडियो बेस्ड ऑन सी आई एन एस आई, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ए इज इक्वल टू 3000, ठीक है, इनटू दिस विल गोइंग टू गिव, यहीं पर कैंसिल कर लो, 5 × 5 520, सो इट विल गोइंग टू गिव मी 21/20 इनटू 21/20, सॉल्व इट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काट लीजिए, ठीक है, एंड 215 टाइम्स, सो 15 इंटू 21 अपॉन 20, सॉरी अपॉन 2, हाउ मच, ठीक है, अमाउंट कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, टेल मी द वैल्यू ऑफ अमाउंट फर्स्ट, पॉइंट में आ रहा है, इज इट कमिंग इन पॉइंट, 33075, 33075, और अगर आप यहाँ से सी आई निकालोगे दैट विल बी ए माइनस पी, अमाउंट इज हाउ मच, 33075 माइनस प्रिंसिपल इज 3000, सो द आंसर विल बी 307.5, ठीक है, सी आई विल बी 307.5। ओके, आई होप कि कैलकुलेशन ठीक करी होगी, क्योंकि आई हैव नॉट कैलकुलेटेड डेटा। ओके, 21 × 21 × 15 / 2 भी करना है, ठीक है,